हेलो और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे टिंटिन व्लॉग्स में। तो आज हम बात करेंगे सेंटी की गाड़ी की। सेंटी गाड़ी का रिव्यू करेंगे, वो है i20। बेसिकली सेंटी लाइसेंस वर्जन ही होता तो एग्जैक्ट नाम नहीं देता है, तो इसका नाम अभी हम देखेंगे आगे क्या है। गाड़ी देखने से पहले, रिव्यू सुनने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो अब हम करते हैं फटाफट इस सेंटी की i20 का रिव्यू। सो इस गाड़ी का नाम है T20, i20 नहीं है, T20 है। और ये वाला जो है डुअल कलर टोन है, काफ़ी अच्छा है ये। और सेंटी गाड़ी है, वैसी प्लास्टिक की होती है बट डिटेलिंग वाइज काफ़ी अच्छी देने लगे हैं अब ये। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग है 2022 की है। बात करें अगर इसके ब्लिस्टर पैकिंग की तो यहाँ देख सकते हो आप इमेज दिए गाड़ी की, यहाँ पे T20 लिखा हुआ है, एक्चुअल गाड़ी यहाँ पे है। पीछे इसके कलर्स दिए हैं बहुत सारे और सारी मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स और ऑल यहाँ पे दिया है। तो इसको निकाल लेते हैं इस बॉक्स में से, इस पैकिंग में से, जिसको ब्लिस्टर पैकिंग कहते हैं। तो ये निकल गई गाड़ी। सो ये है T20 सेंटी की तरफ से, काफ़ी अच्छी है। और सबसे पहले जो हम काम करते हैं कि सेंटी की जब भी अनपैकिंग होती है, अनबॉक्सिंग होती है, तो एक स्मेल तो बनती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। सो बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। फ्रंट प्रोफाइल एग्जैक्टली वैसी है, सेंटी वैसी गाड़ी जो बनाता है वैसे अनलाइसेंस होती है, बट पूरा जो डिटेलिंग होती है ना वो कहीं ना कहीं परफेक्शन में 100 में से 90-80 ले जाती है। सो फ्रंट प्रोफाइल की अगर बात करें तो इसके जो हेडलाइट्स है वो ग्लास के हैं, सामने कुछ भी ओपनेबल पार्ट्स नहीं है। आप देख सकते हो सामने का फ्रंट प्रोफाइल जो है ये एग्जैक्ट वैसी है जैसे कि पहले होता था, बट ये थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे दिख रहे होंगे। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो डिटेलिंग में ये काफ़ी अच्छा हेल्प करती है, जो ब्लैक से इन्होंने डिटेलिंग करी है नीचे और हैंडल्स पे, डोर हैंडल्स पे। व्हील्स जो दिए इसके परफेक्ट लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक एनहांस कर रहे हैं। कलर जो है ये डुअल टोन कलर है, ऊपर पूरा ब्लैक दिया है और बाकी इधर यहाँ पे ऑरेंज कलर है, तो काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में काफ़ी अच्छी इंटीरियर में डिटेलिंग दी है इन्होंने, इंटीरियर में काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी है। गेट पे भी आप देख सकते हो, गेट पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छी डिटेलिंग दी है। टेक्सचर जो होता है वैसी दी है, गेट खोलने का जो वहाँ पे ऑप्शन होता है वो भी दिया हुआ है, हैंडल पकड़ने का और बॉटल होल्डर स्पीकर सारा कुछ वहाँ पे गेट पे भी इन्होंने डिटेलिंग में मेंशन किया है। डैशबोर्ड पूरा प्रॉपर वैसी है जैसा होना चाहिए, सो काफ़ी अच्छी डिटेलिंग है। खासकर मुझे गेट पे जो डिटेलिंग दी है ना वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि गेट पे यूजुअली इतनी डिटेलिंग मिलती नहीं है। इस साइड की बात करें तो फ्यूल टैंक का कैप भी दिया है। बैक साइड की अगर बात करें तो हेडलाइट्स वैसी ग्लास के ही हैं इसमें, प्लस यहाँ पे इन्होंने लोगो मेंशन किया है, यहाँ पे गाड़ी का नाम लिखा हुआ है T20, इन्होंने यहाँ पे भी गाड़ी का नाम लिखा है। और यहाँ पे अगर बात डिफॉगर, यहाँ पे ग्लासेस दिए विद वाइपर जो कि एक्चुअल में होते भी है, प्लस मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ यहाँ पे पीछे साइड इन्होंने ट्रे जो होती है उसमें स्पीकर्स भी मेंशन करे हैं, तो काफ़ी अच्छी है गाड़ी लुक वाइज और डिटेल वाइज ज़्यादा अच्छी है। तो ये वाला कलर बहुत कम मिलता है अगर, इसलिए आपको अगर ये कलर कभी मिले तो आप बिल्कुल अपने कलेक्शन में ऐड कर लेना। तो आपको कैसी लगी सेंटी की T20? बेसिकली ये है Hyundai की i20, आप बिल्कुल कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।